जय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर डिफेंस क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि किस सिलेबस किस सब्जेक्ट्स के कितना क्वेश्चन आएगा साथियों और कितने नंबर के यहाँ पे रहेगा। तो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की विषय सूची के बारे में, तो आपका 3 सब्जेक्ट रहेगा साथियों, जिसमें आपका रहेगा सबसे पहले जो है वो जीके रहेगा, सामान्य ज्ञान यानी कि। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग रहेगी, उसके बाद लास्ट आपका दोस्तों गणित रहेगी यहाँ पे। ओके बैट, यानी कि आपका 30 सब्जेक्ट से आपका रिटर्न एग्जाम ली जाएगी इससे, नो डाउट। अब बात करें दोस्तों प्रश्नों की संख्या, तो किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि सामान्य ज्ञान से जो है वो आपके 50 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, नो डाउट। और वहीं पे बात करें हम रीजनिंग की, तो इससे भी आपका 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ओके। और वहीं पे बात करें दोस्तों हम मैथ की, तो मैथ जो है दोस्तों आपका 25 अंक का पूछा जाएगा इसमें, ओके। और बात करें दोस्तों अभी आप प्राप्त अंक की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों सामान्य ज्ञान जो है वो 50 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 50 अंक दी जाएगी उसमें, नो डाउट इसके लिए दोस्तों। और 25 अंक नंबर जो है वो आपके रीजनिंग में दी जाएगी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों हम यहाँ पे मैथ की, तो मैथ में भी आपका 25 यहाँ पे अंक दी जाएगी। और आपके लिए प्लस पॉइंट ये है साथियों कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन सही होंगे उसमें आपको नंबर दी जाएगी, और जो क्वेश्चन गलत रहेंगे दोस्तों उसमें आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। सो इज़ दैट क्लियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ इसमें आप दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे निर्देश दी गई है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी तैयार कर ली गई है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे तैयारी करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभाशाली यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं पास 12वीं पास अभ्यर्थी के लिए CG पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम पैटर्न 2024 है वो यहाँ पे लागू कर दी गई है दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप दोस्तों यहाँ से पुलिस आरक्षण GD का जो है वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ओके। बात करें दोस्तों इसकी एग्ज़ाम टाइमिंग की, तो आपको 2 घंटे का समय दी जाएगी इसमें दोस्तों, नो डाउट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 घंटे का आपको समय दी जाएगी यहाँ पे दोस्तों, उसी को यहाँ पे 120 मिनट यहाँ पे निर्धारित यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स, ओके। वहीं पे बात करें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो है वो ऑफलाइन तरीके से ली जाएगी फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफलाइन तरीके से आपकी परीक्षा जो है वो ली जाएगी उसमें। अब बात करते दोस्तों में परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा में होंगे दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी में आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते दोस्तों इसमें किस परीक्षा में, इस परीक्षा में दोस्तों 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, अतः प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित होंगे फ्रेंड्स, ओके, जैसे मैंने कहा आपको। और बात करें दोस्तों CG पुलिस कांस्टेबल की कुल परीक्षा जो है वो 100 अंकों का होता है दोस्तों, ठीक है, 100 अंक ही रहेगी, ठीक है, 100 नंबर का। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे दी गए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग दोस्तों प्रावधान नहीं रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट से हम कौन कौन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे, इसका जो है हमारा एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्लियर हो जाए फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस की विषय सूची जो है मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, 3 सब्जेक्ट आपके होंगे, जिससे आपको दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा नवीनतम दोस्तों आपके नीचे दी यहाँ पे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल सामान्य ज्ञान, ठीक है, और CG पुलिस कांस्टेबल मानसिक यानी रीजनिंग, ओके फ्रेंड्स, और आपका मैथ रहेगा। जिससे सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉपिक में, तो सामान्य ज्ञान के टॉपिक में आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुल प्रश्न जो है वो आपके 50 प्रश्न होंगे दोस्तों, कुल अंक आपका 50 रहेगा, जिसमें दोस्तों अभ्यर्थी को कैंडिडेट को दोस्तों कम से कम 30 क्वेश्चन करना होगा फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर उसको क्वालिफाई करना होगा तो कम से कम आपको दोस्तों 50 में से 30 क्वेश्चन को सही करना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ बात कर दोस्तों किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा इसमें, तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सामान्य ज्ञान से जुड़ी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम 30 नंबर प्राप्त
करना अनिवार्य होगा। फिर जिस टॉपिक में आपको बता देता हूँ दोस्तों, जीके के अंदर आपको भारतीय इतिहास पढ़ना होगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आधुनिक विश्व का इतिहास, ठीक है फ्रेंड्स, और भूगोल यहाँ पे, और वहीं पे बात कर दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है भारतीय राजस्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, ठीक है, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, सामान्य घटना, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपको भी कवर करना पड़ेगा उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अदर टॉपिक के यहाँ पे, तो यहाँ पे रीजनिंग की मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो रीजनिंग में आपके दी गए कुल प्रश्न आपके 25 होंगे, 25 अंक की, जिसमें आपको कैंडिडेट को कम से कम 15 क्वेश्चन करने होंगे फ्रेंड्स, ओनली 5। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 25 में से केवल और केवल 15 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमको यहाँ पे किस किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते वर्गीकरण, सादृश्यता, परीक्षण, वर्णमाला, ठीक है फ्रेंड्स, सांकेतिक भाषा, गणितीय संकाय, श्रृंखला, दिशा परीक्षण, व्यवस्थित क्रम प्रणाली, राज रक्त संबंध यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। सब बात करें अलेखी निरूपण, ठीक है, मैट्रिक्स परीक्षण, भाषा एवं ग्रंथ तार्किक, ठीक है, आरती, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आकृति गणना, कागज मोड़ना तथा काटना, दर्पण एवं जल प्रतिबंध, यहाँ पे आपको इन सब टॉपिक्स की आपको रीजनिंग को कवर करना होगा फ्रेंड्स, ओके, जिसमें आपको 25 में से केवल 15 क्वेश्चन करने होंगे। अब बात करते हैं मैथ की दोस्तों, मैथ भी वैसे सेम दोस्तों, आपका 25 अंक का और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कम से कम जो है साथियों आपको 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको सही करने होंगे, ओके, क्वालिफाई के लिए। अब बात करें इसमें से कौन कौन टॉपिक रहे दोस्तों, भिन्न सरलीय, वर्ग वर्गमूल दोस्तों, घन घनमूल, ठीक है फ्रेंड्स, घटक एवं सरणी, संख्या पद्धति, ठीक है, मापस एवं कल्स, रेखीय समीकरण, औसतन, ठीक है फ्रेंड्स, इन सब टॉपिक्स के आप साथ साथ दोस्तों प्रतिशत का भी रहेगा, परसेंटेज यहाँ पे, ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट का रहेगा दोस्तों, बट्टा का रहेगा दोस्तों, आपका साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते समय एवं कार्य, चार समय एवं दूरी, क्षेत्रफल, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टेंस एंड, ठीक है फ्रेंड्स, परिणाम आयत एवं पुष्टि क्षेत्रफल को आपको मैथ में कवर करना पड़ेगा दोस्तों। तो यह रहा दोस्तों आपका सी जी प्लीज का डिटेल यहाँ पे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के साथ इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया फ्रेंड्स, और इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें दोस्तों, जो सी जी प्लीज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ्रेंड्स, और चैनल पर जो नए आए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम सी जी प्लीज से रिलेटेड यहाँ पर आपको अपडेट टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको देते रहेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।